हेलो एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन। दोस्तों थोड़ा सब का स्वागत है आज दे पीपीएससी नायब तहसीलदार दी दोस्तों एमसीक्यू सीरीज दे विच, जिस दे विच असी हर रोज किसी एक सब्जेक्ट नाल जुड़े जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है थोड़े नाल शेयर करांगे, थोड़े नाल डिस्कस करांगे अते दोस्तों होर बहुत सारी जानकारी थोनू दवांगे ताकि थोड़ा ये जो नायब तहसीलदार दा एग्जाम है ये क्रैक हो सके अते तुसी अपनी जो तुसी एग्जाम भरिया सी दोस्तों अज तो लगभग 16 महीने पहला उस दे विच थोनू सफलता प्राप्त हो सके। तो इत्थे मैं चाहांगा जिस जिस स्टूडेंट ने ये एग्जाम फिल किया होया मैं जरूर एक बार यस सर करके जरूर दसन क्योंकि 16 महीने का जो इंतजार है थोड़ा नहीं होंगे। हम 22 मई को एग्जाम होना है दोस्तों, मोटे तौर पर असं कह सकते हैं 50 दिन का समा बचा है और इस दे विच पंजाब सक्सेस मंत्रा थोड़ी हर रोज़ है हर तरीके दे नाल हैल्प करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हाँ, लेकिन उस तो पहला चाहांगा सारे स्टूडेंट्स को कि सैशन एक बार शेयर जरूर कर दें, जे तुसी लाइक नहीं किया तो इसको लाइक भी जरूर कर दो। तो एक बार मैं स्टूडेंट्स देख लैना, गुरजीत, शबनम, कुशल, जगदीप, अलीशा, हाँ थोड़ा वेलकम, शिवानी, नैन्सी, रजिंदर, हाँ जी चलो सब आ ही चुके हैं जी, अते बिल्कुल रजिंदर ठीक है। मैं इसे करके मोटे तौर पर कहा कि 50 दिन का समा बचा है। तो इतने दोस्तों क्लास की शुरुआत तो पहला जो है मैं एक अपना जो थॉट जरूर थोड़े साझा करा जो मैं पंजाब जीके लिए दोस्तों बना रहा हाँ एमसीक्यूज और हर हफ्ते है मैं थोड़े साझी करा। तो मेरे माइंड में एक गल जरूर सी क्योंकि जिन्हें स्टूडेंट्स ने 16 महीने तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह सारे के सारे स्टूडेंट्स ने कई बार पंजाब जी के पढ़ भी ली होनी, इस कोई दो राय नहीं है। हो सकता है जो अपन मोटे तौर पर सारे पंजाब के लोग किताबा पढ़ते हैं जिमें कि साडा पंजाब जो है लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं साडा पंजाब, या फिर इस तो अलावा इस पूरे टाइम पीरियड के असी देखा एटलीस्ट मैं तो देखा बहुत सारे जो है सॉफ्ट कॉपीज भी आई पंजाब जी के लैके। दोस्तों कुछ होर नवी किताबा भी है रिलीज़ हुई सी जिदे विच्चों जो है दोस्तों ज्ञानम का एक बुक सी मेरा पंजाब शायद उसका नाम सी। उस तो अलावा जे तुसी एम ए पंजाबी की जो बुक पढ़ी है वह भी बहुत वधिया है। तो ये जो बुक है ये जो साड़ी एम सी क्यू सीरीज़ है ये विच मेरी कोशिश सब तो ज़्यादा यह रहेगी कि दोस्तों थोनू पंजाब जी के नाल नाल है जो पंजाब जी जिमें कोई भी क्वेश्चन है जिमें कि थोनू मैं क्वेश्चन पूछ लिया बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का तो उसके पैरल इंडिया दे विच की हो रहा है तो होर वाधू जानकारियां जिहड़ियां अपने एग्जाम लिए बड़े महत्वपूर्ण ने वो भी थोनों नाल नाल दस सकां क्योंकि मैनू लगता है कि जो बेसिक जानकारी है पंजाब दी वो लगभग हर जो स्टूडेंट है काफ़ी हद तक पढ़ भी चुकया होना। हुण एक रिविजन का जो दोस्तों जो काम है मैं करांगा, लेकिन बहुत सारी एक्सट्रा जानकारी भी थोनों जरूर दवांगा। उम्मीद करदे कि तुसीं इस नाल सहमत भी होवोगे अते पंजाब जी के थोनों काफ़ी हद तक है आ भी चुकी होएगी अते काफ़ी बार तुसी पढ़ भी रही होएगी। हाँ जी ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, रतन चौधरी जो है पंजाब पीडिया अते जो जो है ये सारा जो चीज़ें थोड़े नाल चलनगियां दोस्तों। अते नाल ही नाल मैं ये भी चाहांगा कि तुसी अपने सुझाव भी हर क्लास तो बाद इस नूं वेखण तो बाद है सानू जरूर दवो ताकि असी इस दे विच जो भी बनते चेंजेस भी कर सकीए जी। तो शुरुआत करते हाँ ठीक है जी। अजय सिंह जो है ड्रीम गर्ल, चलो सारे उत्तर दे ही रहे ने नाल नाल, तो चलो स्टार्ट करते हाँ जी अज का जो सैशन अज का जो दोस्तों टॉपिक। एक बार मैं फिर कहांगा सैशन शेयर अते लाइक है जरूर कर दवो जी। तो दल खालसा बिल्कुल जी, अक्षय कुमार जो है अक्षय शर्मा दल खालसा इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो लेट स्टार्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है साडा, क्वेश्चन पढ़ लिए, बाबा बंदा सिंह बहादुर ए सिख लीडर हु लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल्स आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटिड ड्यूरिंग द राइन ऑफ बहादुर शाह औरंगजेब, जहानदर शाह, फारूक शायर। हुण इसका उत्तर हो सकता है मेरे प्रश्न देंदे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर लग जाएंगे जी ए बी सी डी, लेकिन ध्यान नाल उत्तर दे नाल नाल होर भी असी बहुत कुछ करना है। इस करके साडे ये जो 15-20 क्वेश्चन डेली लैके आवांगा मैं ये फिर ही वो इंपॉर्टेंट बन गए, फिर ही थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों सब तो पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की गल चली है, मैं चाहाँगा कि उन्हों का ओरिजिनल नेम भी तुम मैं दस दो क्योंकि जम्मू के उन्हों का जन्म होया सी। दोस्तों बाबा बंदा सिंह बहादुर ये जो नाम से दसवें गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी ने नंदेड़ दे विच उन्हां नूं दित्ता सी, तो उन्हां दा ओरिजिनल नाम बहुत बार पेपर दे विच आया है। हुण मैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वन लाइनर वाले नहीं थोड़े लिए लैके आ रहा, वो मैं थोड़ा नाल नाल दसदा रहांगा जी। अते उन्हां दा जो नाम सी दैट वॉज वेरी गुड माधोदास, वेरी गुड हाँ जी ठीक है। तो माधोदास उन्हां दा नाम सी अते दोस्तों उत्थे ही जो है लक्ष्मण दास भी उन्होंने कह देंदे सी जिन्हां ने उन्हां नूं गुरु धारिया सी जम्मू दे विच, लेकिन बाद दे विच दसवें गुरु साहब ने उन्हां दा नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर रख दिता सी। हुण
दोस्तों रिवोल्ट अगेंस्ट मुगल्स, हुण उन्हां मुगल्स दे खिलाफ रिवोल्ट क्यों कीती, क्योंकि जदों गुरु साहब पंजाब दे विचों दोस्तों जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना करन तो बाद उन्हां नूं कंप्लीट करन तो बाद श्री दमदमा साहब विखे दोस्तों जिन्हां नूं असीं गुरु की काशी भी बोलते हैं, जिन्हां नूं असीं दमदमा साहब भी बोलते हैं, तलवंडी साहब बोलते हैं, उस तो बाद साउथ की तरफ चले गए, दक्षण की तरफ चले गए अते उत्थे जाके उह उन्हां ने जो बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जिन्हां दा नाम माधोदास लक्ष्मण दास सी कि उन्होंने पूरी की पूरी अपनी जो है व्यथा दसी और दोस्तों उतों जो है उन्होंने दसिया कहा कि हुण तुसीं जो साढ़े सिख सैनिकों नूं लैके है पंजाब की तरफ जाओ और पंजाब दे विच जाके है जिन्हां जिन्हां ने सिख या सिख कल्चर के उपर या फिर जो मानवता के उपर है जिन्हें भी सारे हमले किए ने उन्हों का जो बदला है बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लेना है। तो फिर बाद 1707 दोस्तों उन्होंने भेजा सी 1710-11 तो बाद असीं बाद देखते हैं लगातार उन्होंने इत्थे लड़ाइयां लड़ियां, लेकिन 1716 दे विच है उन्होंने है शहीदी प्राप्त हो गई सी। तो हुण ये जो आंसर है साडा जो जो साडा एग्जैक्ट दोस्तों हाँ जी जो ईयर है 1716 दे विच उन्होंने शहीदी प्राप्त होगी। हुण 1716 दे विच मुगल एम्परर है कौन सी, जे सानूं ए क्लीयर हो जाए तो सानूं डेफिनेटली है इसका उत्तर है सिख नॉलेज या दोस्तों पंजाब जी के ना भी पढ़ी हो फिर तुसी ईजली उसका आंसर दे सकते हो। इसका उत्तर वैसे लगभग सारे स्टूडेंट्स ने दे भी दिता, आंसर इज फरूक शायर, लेकिन इस नूं होर किस तरीके नाल असीं जाण सकते हाँ तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ये टेबल थोड़ा याद हो जाए जिन्हां दे विच मुगल पूरी की पूरी हरारकी है जिदे विच असीं देखते हाँ कि यह जो हरारकी है 1526 बाबर तो शुरू होंदी है 1858 बहादुर शाह तक है खत्म हो जाती है 1858 क्योंकि उस तो बाद उस नूं काले पानी दोस्तों जो है बर्मा भेज दिता गया सी अते उत्थे ही उसकी 1861 दे विच डेथ हो गई सी। तो असीं वेखदे हां कि जो बाबर तो लैके औरंगजेब तक है यह तो एक गोल्डन टाइम पीरियड है मुगल्स का, लेकिन उस तो बाद जिवें ही जफरनामा जो कहा जाता है इस तरह का एक दोस्तों कहते हैं कि जफरनामे तो बाद है जो है डैथ हो गई सी औरंगजेब की कुछ ही समय बाद, उस तो बाद असीं देखते हैं 1707 दे विच तो बाद जो मुगल एम्परर उन्ना स्ट्रोंग नहीं रहा था। उस तो बाद आया सब तो पहला बहादुर शाह, फिर आया जहंदर शाह, 1713 तो लैके 1719 तक का टाइम पीरियड से फरूक शायर का सी। ये जो फरूक शायर है दोस्तों दो बड़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पूरी की पूरी साढ़े जो है पंजाब जीके के नाल भी इंडियन जो है हिस्टरी के नाल भी। पहला क्वेश्चन तो इसे टाइम पीरियड से है बाबा बंदा सिंह बहादुर है एग्जीक्यूट किया गया शहीदी प्राप्त हुई दिल्ली के उन्होंने। दूजा असं देखिए कि जो साड़ी जो इतिहास के मॉडर्न इंडिया के एक बहुत वाला जो बदलाव लैके आती है बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी दड़ा भी फरूक शायर के जड़िया हुई ने क्योंकि 1717 दे विच इसे फरूक शायर ने है जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सी एक ट्रेडिंग कंपनी सी उसे नू फ्री ट्रेड करन दा जो लाइसेंस सी वह भी बंगाल दे विच इसे ने दिता सी। तां ये दो प्रश्न थोनू इस दे नाल नाल है जरूर याद होने चाहिए ने। फिर असं चलते हाँ दोस्तों दूजे क्वेश्चन से, लेकिन उस तो पहला स्टूडेंट्स नाल नाल जो लिख रहे ने वो भी मैं देख लव। हाँ जी जफरनामा बाय 10th गुरु इन परशियन वेरी गुड। हाँ जी ड्रीम गर्ल फेमस जरी की फरमान जारी किया बिल्कुल ठीक ठीक है रिपीट करना। हाँ जी मैं फिर एक बार दसदा दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन नाल मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत सारिया वाधू जानकारी थोड़ा देदा, उम्मीद करदा कि थोड़ा पसंद भी जरूर आईया हो आनगियां। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सैकेंड क्वेश्चन है ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है पंजाब दे विच रेयरेस्ट चांसेस है लेकिन जो पीपीएससी द्वारा जो लाए जाते एग्जाम्स ने नायब तहसीलदार या कोऑपरेटिव या फिर पीसीएस उस दे विच जरूर आ जाते हैं। तो दोस्तों गुरु नानक देव जी के अकॉर्डिंग जो जो मोक्ष की प्राप्ति है सालवेशन है उसनों तुसी किस तरह प्राप्त कर सकते हो, तो तुसी रब की सेवा करके इन द सर्विस ऑफ गॉड दोस्तों वो कर सकते हो या फिर जो ब्राह्मण्स अते मुल्ला दी गाइडेंस नाल दोस्तों उन्होंने छत्र छाया दे विच रह के तुसी सालवेशन तुसी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो या फिर अपने देश के नाल लड़के या फिर दोस्तों इस्लाम के खिलाफ लड़के ठीक है। तो यह जो चार ऑप्शन ने तुसी अपने आइडिया के नाल इसका आंसर दे सकते हो, जे तुसी चंगी दोस्तों ठीक ठाक भी समझ रखते हो धर्म बारे तो तुसी इहदा ईजली आंसर दे सकते हो। आंसर इज इन द सर्विस ऑफ गॉड दोस्तों रब की सेवा, रब की सेवा का मतलब है मानवता की सेवा करके तुसी सालवेशन नू तुसी मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों इत्थे जो है असी गुरु साहब बारे है थोड़ी जानकारी होर सांझी करांगा 10 गुरु साहब अते उस तो बाद असी 11वें जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं है जो अखीरला जो गुरु मानते हैं जो 10वें गुरु साहब ने जिन्हां नूं करार दिता सी 11वां गुरु। तो इत्थे जो है वैसे तो असी एक अलग तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक दिन पूरा का पूरा गुरु साहब बारे जो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंफोरमेशन ने थोड़ा प्रोवाइड कर देव, लेकिन दो तीन चीज़ों का बड़िया इंपोर्टेंट ने
दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, एक उन्होंने हायरार्की थोड़ा जरूर पता होनी चाहिए है, जो मैं लगता है कि इतने बैठे लगभग 90% स्टूडेंट्स को पता भी होगी। दूजी जो इंपॉर्टेंट है इस दे विच वो है दोस्तों कि इन्हों द्वारा जो वसाए गए अलग अलग शहर या फिर इन्हों द्वारा कोई किसी तरह की रीत शुरू की हो, जिमें कि मसंद प्रथा किसी ने शुरू की दोस्तों, जिमें कि इतने कह सकते हैं कि मंजी प्रथा है किसने शुरू की, तो यह सारिया जो प्रथावान ने रीत शुरू की बड़िया इंपॉर्टेंट ने, या फिर जो शहर वसाए हुए हैं। तीजा लिटरेचर है जो है इन्हों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो इतने सिंपल मैं नाम दिते हुए ने, गुरु नानक देव जी, फिर गुरु अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास जी, गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, गुरु हरकृष्ण जी, हर राय जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी। फिर दोस्तों इन्हों का जो टाइम पीरियड असं देखिए, तो सब तो ज्यादा जो है वड्डी उम्र के गुरु अमरदास जी है, वह गुरगद्दी से बैठे सी, सब तो छोटी उम्र के अठवें गुरु असं देखते हैं, अठवें गुरु 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 हरकृष्ण जी है जो है गुरुगद्दी पर बैठे। इसलिए छोटे छोटे फैक्ट्स ने, ठीक है, जो तुम ये पीपीटी थोड़ा मिल जाएगी तो तुम ईजली है इन्हों देख के है ये तीन चार फैक्ट ये क्ढण की कोशिश जरूर करना जी। नाल जो स्टूडेंट्स कुछ लिख रहे हैं, हाँ जी, जो नैटवर्क प्रॉब्लम है जे किसी तो दोबारा तो बंद करके शुरू कर लवो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ जी ठीक है, हाँ जी, जो है बिल्कुल रिकॉर्डेड भी मिलेगी, बाद के भी जरूर मिलेगी। हाँ जी ठीक है, गुड मॉर्निंग। नाल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सब का बहुत बहुत स्वागत। फिर अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने दोस्तों जो अमृतसर की थां है वह किहड़े गुरु साहब नूं है वह ग्रांट की सी, वह दान दे विच दे दित्ती सी। तां इत्थे जो सब तो इंपॉर्टेंट है कि असी देख लीए कि जो अकबर है, अकबर का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, अकबर का टाइम पीरियड है 1556 तो 1605 ईस्वी तक, तो यह लगभग जो है 49 साल तक उसने दिल्ली के उपर, या तुसी कह लो कि लगभग पूरे इंडिया के उपर है कंट्रोल दे विच रखा उसने, आफ्टर द सैकंड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि उसका जो रूल है, उसका जो कंट्रोल है हिंदुस्तान से, जो उसने सैकंड बैटल ऑफ पानीपत रेडी 1556 के, उस तो बाद ही उसका जो आधिपत्य है वह हिंदुस्तान के उपर शुरू हो जाता है, 1605 के उसकी डैथ होंगी है, उस तो बाद फिर उसका दोस्तों जो सल्तनत है जहांगीर सामद है। तो यह जो अकबर है जिसका पूरा नाम मुहम्मद जलालुद्दीन सी, तो उसने किहड़े गुरु साहब न जो है ये अमृतसर की थां है दोस्तों वह दान दे विच दित्ती सी। इस दे नाल ही नाल बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं इहदा पता ही होगा कि गुरु रामदास पूरा, या फिर असी रामदास पूरा भी बोल देंगे सी अमृतसर नूं, हुण क्योंकि अमृतसर जो शहर है उसनूं वसाउण दा काम, या फिर उसनूं प्रचलित करन दा काम, या फिर जो है दोस्तों जो है हरिमंदर साहब नूं जो है नूं जो जो है उत्थे बनाउण दा जो काम है, ठीक है, तो वह सारा का सारा है चौथे गुरु साहब ने किया सी। लेकिन फिर भी इसका जो आंसर है वह गुरु अमरदास जी नहीं है, इसका एग्जैक्ट आंसर है गुरु अमरदास जी। तो कहा जाता कि गुरु अमरदास जी नूं है दोस्तों यह दान जी दित्ती सी, फिर उन्होंने जो लड़की सी गुरु अमरदास जी दी दोस्तों, गुरु अमरदास जी डॉक्टर बीबी भानी जी, तो बीबी भानी जी का विआह क्योंकि गुरु रामदास जी नाल होया, इत्थे मैं जो है दोस्तों गुरु चौथे गुरु गुरु रामदास जी नाल होया, ते बाद दे विच फिर ये पूरा का पूरा जो शहर है चौथे गुरु साहब गुरु रामदास जी ने वसाया। इत्थे मैं माफी मंगना चाहूंगा, पहले मैं गुरु अमरदास बोलिया, गुरु रामदास जी ने शहर नूं वसाया, उन्होंने नाम से ही शुरुआत दे विच इसका नाम भी रामदासपुरा होया करता सी। तां दोस्तों इतने ये भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हरिमंदर साहब है, इतने कई बार है कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि गुरु रामदास अते हरिमंदर साहब अते अकाल तख्त, इन्हों दोनों की जो स्थापना है वो अलग अलग है। जो तो गल करते हैं हरिमंदर साहब की, तो हरिमंदर साहब का जो नींह पत्थर है वह दोस्तों जो है साईं मियां मीर जी तो जो चौथे गुरु दोस्तों पंजवें गुरु साहब के टाइम पीरियड से जो जो रखाया गया, लेकिन चौथे गुरु साहब तो ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी, लेकिन अकाल तख्त की जो स्थापना है वह छेवें गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने करवाई सी। तो यह सारे छोटे छोटे पॉइंट है याद रखने ने। फिर उस तो बाद असं चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन से। नैक्सट क्वेश्चन है कि इन्हों दोस्तों जो विच अमंग द फॉलोइंग आर, इन्हां विचों पंजाब गवर्नमेंट दे विचों केड़े केड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, पंजाब दा जो नवा कैबिनेट बनया मैं उसकी गल करांगा, तो हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह, विजय सिंगला, या फिर इन्हां विचों सारे ही जो है फिलहाल साड़ी पंजाब कैबिनेट विच मिनिस्टर ने। तो नवी कैबिनेट है बन चुकी है पंजाब की, जो दोस्तों 117 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आ चुका है 2022 के जो इलैक्शन सी, इहदे विच है सब तो वड्डी पार्टी के रूप दे विच जो है आम आदमी पार्टी 92 सीटा जीत के इलैक्शन लड़ी, दोस्तों जीत गई। इस देखते हाँ कि हुण कैबिनेट जो है
सस्पेंशन है वो कर दिता। हुण कैबिनेट मिनिस्टर किन्ने बनणगे उस दे रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिलहाल असीं जे वेखिए इन्हां विचों जो सही आंसर है सारे दे सारे ही सही मंत्री बने हुए ने, जिहदे विच खास करके असीं दे देखिए दोस्तों हरपाल सिंह जिन्ना जिन्हां नूं फाइनेंस मिनिस्ट्री दित्ती हुई है, ते अजकल दोस्तों जो है काफ़ी चर्चा दे विच हुए ने बहुत सारियां रीजनस करके, फिर डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, विजय सिंगला, लाल सिंह कटोर चौक, हरजोत सिंह, ब्रह्म शंकर, लालजीत सिंह, कुलदीप सिंह, गुरमीत सिंह मीथेर जो साडे एजुकेशन मिनिस्टर ने, तो इन्हां दी मिनिस्ट्रीज भी मैं थोड़े टाइम बाद एक होर प्रश्न दे विच दसांगा, लेकिन फिलहाल इन्हां दे नाम तुसीं जरूर याद रख लो। तो हरपाल सिंह, बलजीत कौर, हरभजन सिंह, विजय सिंगला, लालचंद, हरजोत, ब्राम, ललजीत सिंह, कुलदीप सिंह, गुरमीत सिंह मीथेर जी। फिर साडा नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन है कि मालवा और दुआबा रीजन नू है केड़ा जो दोस्तों जो केड़ा रीजन है वह सैपरेट करता है, विच रिवर सैपरेट द मालवा एंड दुआबा रीजन। तो ये सारे के सारे प्रश्न जदों असी किसी भी प्रश्न के मालवा दुआबा या माझा जो रीजन है दोस्तों ये जो पार्ट लै लें, तो यह मैं जरूर थोनों पहला भी कई बार कहा है कि जदों भी तुसी जो है दोस्तों किसी भी रीजन वाइज किसी क्वेश्चन नू टैकल करना है तो वो थोड़े को मैप की अंडरसटैंडिंग होनी बड़ी जरूरी है। जे थोड़े को मैप है अते तुसी अपने रूम के लगा रख्या है अते हर रोज़ तुसी उसनू दो बार देखते हो तो ईजली तुसी इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। इसका सही उत्तर वैसे सतलुज है, कुछ बच्चे जो है गलत भी दे रहे हैं कुछ सही दे रहे हैं, लेकिन तुसी इत्थे जरूर ध्यान नाल देखो दोस्तों ये जो है सतलुज रिवर है, ठीक है। जे तुसी देखो अते ये पूरा का पूरा जो इलाका है नीचे देखते हाँ मालवे का इलाका है जी, ये दुआबे का इलाका है। क्वेश्चन है कि मालवा अते जो दुआबा है, मालवा अते दुआबा इस नूं केड़ा जो रिवर है वह सैपरेट कर दिया, तो असं देखते हैं सतलुज रिवर है सैपरेट कर रहा, दूसरी तरफ देखते हैं यह माझा इलाका है। अते दोस्तों ये बहुत सारे प्रश्न हुण फॉर एग्जाम्पल थोनों दसना चाहुंदे जिवें कि कई बार प्रश्न आ जाता है कि साढ़े किहड़े किहड़े जो स्टेट्स ने, ठीक है, वो जो इंटरनेशनल बाउंड्री है कवर करते हैं, या फिर माझे के किन्ने जो डिस्ट्रिक्स ने वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान के, मालवे के किन्ने जो डिस्ट्रिक्स ने वो इंटरनेशनल बाउंड्री है शेयर करते हैं जो है पाकिस्तान के नाल। इस तो अलावा ये जो रिवर्स है रावी रिवर बह रहा है इत्थे दोस्तों, ब्यास बह रहा है, सतलुज बह रहा है, किस किस जो डिस्ट्रिक्ट्स दे विचों है यह वेंदे ने, तो इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चन किन्ने किन्ने डिस्ट्रिक्ट्स ने इन्हां दे विच, या फिर जो है हुण विधानसभा के इलेक्शन होए ने रीसेंटली तो किन्नियां किन्नियां सीटां किस किस रीजन दे विच ने, तो बड़ियां सारियां जो छोटी छोटियां जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मैं थोड़ा दिंदा रहांगा, इस तो पहला भी दित्तियां ने लेकिन तुसीं मैप जरूर वेखो एक बार। ये सारी जो जानकारियां इस टाइम मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा कि अज क्लास तो बाद तुसीं एक मैप जरूर लेके आओगे, एटलीस्ट अगली क्लास तो पहला दो तीन बार इसनूं जरूर वेख लेना, फिर सारी जानकारियां थोड़ी नाल सांझियां भी जरूर कर देवांगा। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर थोड़ा दसांगा जान तो पहले दोस्तों, 15-4-4 जो असं डिस्ट्रिक्ट की गल करते हाँ तो जो डिस्ट्रिक्ट सब तो ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट ने वो मालवे के ने 15, फिर अते माझे अते मालवे के 4-4 ने, इस तो पहले ये मालवे के 14 होए करते सी, लेकिन 2021 मई महीने के जो मलेरकोटला बनया संगरूर तो अलग होकर तो हूँ मालवे के 15 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट ने दुआबे के 4 माझे के ने, टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट ने। यह सारिया चीज़ा नाल याद रखनिया ने जी। फिर उस तो बाद नैक्सट कि पंजाब दियां पंजाबी दोस्तों जो राज्यसभा दे विच है पंजाब किन्नियां सीटां नूं रीप्रजेंट करता है, तो इत्थे जो ऑप्शन ने 5, 7, 8, 6 उम्मीद करदे कि सारे दे सारे उत्तर तुसीं दे ही दवोंगे, लेकिन उस तो पहला असीं वेख लईए राज्यसभा का कि राज्यसभा दे विच टोटल जो सीटा ने वह ने जी टोटल 250 सीटा। राज्यसभा की जो असीं गल करदे हां दोस्तों राज्यसभा का मतलब है जो साडे पार्लीमेंट का अपर हाउस है, जो दोस्तों जिसनों असी काउंसल ऑफ स्टेट्स ही बोल दें हाँ, काउंसल ऑफ स्टेट्स क्यों, क्योंकि इस दे विच जो है इस स्टेट्स नूं रिप्रेजेंट करता है, इसका कोई भी मैंबर मन लवो हरभजन सिंह जो क्रिकेटर है जो वह राज्यसभा का नवा मैंबर बनया है पंजाब तो वह दोस्तों पंजाब नूं रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी नूं नहीं, जलंधर नूं नहीं, हुशियारपुर नूं नहीं, वह पंजाब नूं रिप्रेजेंट करता है। तो एक खास करके मैं गल इस करके दस रहा, इस नाल ध्यान नाल सुनो, ठीक है, इसका उत्तर जो है सुन देण दे नाल नाल ध्यान नाल सुननी है गल कि दोस्तों जिवें आम तौर पर असी इस बारे कई बार प्रश्न आता है साडा एमपीलैड्स बारे, एमपीलैड्स एमपीलैड्स का मतलब है मैंबर ऑफ पार्लीमेंट लोकल एरिया डिवेलपमेंट स्कीम, शायद तुसी इसका जिक्र पहला भी सुनिया होवे। तो यह जो एमपीलैड्स है जिस दे अकॉर्डिंग हर जो एमपी नूं चाहे वह लोकसभा का हो चाहे वह राज्यसभा का हो अपने कॉन्स्टिट्युएंसी दे विच जो है 5 करोड़ रुपया खर्च करनूं मिलता है, उत्थे डिवेलपमेंट के काम करनूं मिलता है। तो जिवें कि एग्जाम्पल के तौर पर तुसी देखो कि जो प्रनीत कौर है दोस्तों ये जो 5 करोड़ रुपया है कितने खर्च करेगी, क्योंकि वह पटियाले तो जो रिप्रजेंट करती है तो पटियाले
करेगी। हुण जिवें असीं होर एग्जाम्पल लै लैंदे हां कि जो मुहम्मद सदीक है वह अपना 5 करोड़ रुपया कित्थे खर्च करेगा, तो तुसीं कहोगे सर वह फरीदकोट तो MP है तो फरीदकोट दे विच करेगा। सुखबीर सिंह बादल जो है वह कित्थे खर्च करनगे 5 करोड़, तो तुसीं कहोगे सर फिरोजपुर तो MP ने तो उत्थे करनगे। तो तुसीं दसो कि जो पंजाब के नवे बने जो MP राज्यसभा के MPs ने जिवें कि हरभजन सिंह है, राघव चड्ढा है, हुण है तो वह दिल्ली तो यह सारे लोग दोस्तों जो बने ने जिवें एक एग्जाम्पल के तौर पर है असीं गल कर देने राघव चड्ढा की पंजाब तो वह रिप्रजेंट करे तो वह 5 करोड़ रुपया कितने खर्च करे। हाँ जी ये क्वेश्चन कई बार है पेपर के आ जाता है, इस करके इस जरूरी है इसन समझना भी ठीक है। नाल ही नाल थोनू एक जुड़ा एक होर भी प्रश्न दसागा क्योंकि थोनू सबनों पता है कि जो राज्यसभा के 12 नोमीनेटेड मैंबर्स भी होंगे ने, जो नोमीनेटेड मैंबर्स ने यह ना ही तो किसी स्टेट को रिप्रजेंट करते हैं ना ही किसी शहर को रिप्रजेंट करते हैं, तो यह अपना 5 करोड़ कितने खर्च कर सकते हैं। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार है पेपर के आया हुआ है, इसको भी ध्यान समझना है ठीक है। तो सब तो पहला जो असं गल करते पंजाब के राज्यसभा के मैंबर्स की जो 7 मैंबर्स ने लगभग कई बच्चों ने उत्तर दे ही दिता जी, तो दोस्तों ये पंजाब दियां जो 13 लोग सभा कॉन्स्टिट्युएंसीज ने जो 13 सीटा ने लोग सभा दियां उन्हां विचों किसी भी एक सीट पर खर्च कर सकते हैं, उन्हां दी मर्जी है ठीक है। जरूरी नहीं कि हरभजन सिंह जी जलंधर तो है तो उसनों जलंधर दे विच ही खर्च करना पवेगा, वो पंजाब की किसी भी 13 कॉन्स्टिट्युएंसी दे विच एक दे विच खर्च कर सकता है। अते जो नोमीनेटेड मैंबर्स हुंदे ने ये उस तरीके पूरे भारत के कोई भी एक कॉन्स्टिट्युएंसी है इन्होंने चूज कर लेनी है उत्थे वह अपना 5 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, तो याद रखना ठीक है। तो दोस्तों असं राज्यसभा बारे गल कर रहे हैं जिसनों असी परमानेंट हाउस भी बोलते हाँ। परमानेंट हाउस क्यों? क्योंकि यह कदे भी डिजोल्व नहीं होती है, काफ़ी सारे नाम दस चुके हैं थोनू, अपर हाउस है दोस्तों, परमानेंट हाउस है या फिर कौंसिल ऑफ स्टेट्स है, ये सारे की सारी राज्यसभा दी गल्लां हो रही ने इत्थे। अते पंजाब दे 7 सीटा ने जो राज्यसभा दे विच असीं जो रिप्रजेंट करते हाँ, अते दोस्तों 238 सीटा ने ठीक है, यह इलैक्टड ने, 12 सीटा नोमीनेटड ने, 233 दे विचों इलैक्शन सिर्फ जो है 233 सीटा दे विच ही हुंदा है, अते 5 सीटा हजे वेकेंट असीं छड्डियां होईयां ने। तां इह सारी जो मुढ़ली जी जानकारी है बेसिक जी जानकारी थोनू जरूर पता होवे। अते रीसेंटली जो 5 मैंबर्स बने ने जो पंजाब दी तरफ तो जो रिप्रजेंट करनगे पंजाब नू है राज्यसभा दे विच, उन्हां दे विचों हरभजन सिंह नाम याद रखने ने, राघव चड्ढा। दोस्तों मैनू लगता है कि यह जो 2 नाम ने यह तुसीं ईजली याद कर लोगे, ये थोड़े जे तुसीं कह लो कि घट लाइमलाइट दे विच ने तां इन्हां नू जरूर याद रख लेना। तो LPU यूनीवर्सिटी के जो चांसलर ने अशोक मित्तल जी, फिर IIT के जो प्रोफेसर ने संदीप पाठक, लुधियाना के एक व्यापारी ने संजीव अरोड़ा, तो यह 5 जो है टोटल फिलहाल जो है इन्हों चुन लिया गया है और पंजाब नू उत्थे रिप्रजेंट करेंगे, अपनी MP लैड का पैसा है पंजाब दे विच किते भी एक सीट पर है वह लगा सकते हैं। हाँ जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साडा कि जो हीर रांझा, जो हीर रांझा जो दोस्तों एपिक है, जो हीर रांझा का जो ये दोस्तों ये जो स्टोरी है ठीक है, इसनों जो कविता के रूप के लिखा है ठीक है, लिखा तो वैसे बहुत सारे राइटर्स ने है, लेकिन सब तो जो मशहूर जो व्यंग है इन्हों विचों किस राइटर ने लिखा है, मिर्जा गालिब, मुसीम शाह, वारिस शाह या फिरदोशी? तो हीर रांझा मैं लगता है ईजली आंसर तुम दे भी दोगे, और नाल चाहांगा कि दोस्तों सैशन नू शेयर अते लाइक भी जरूर करते रहो, अपने जो भी थोड़े वट्सएप ग्रुप्स ने प्रैपरेशन जुड़े हुए नाल जरूर है इसमें सांझे भी करते रहो। उम्मीद करते हैं कि सैशन थोनू चंगा भी लग रहा होएगा, सैशन के इंट्रस्ट भी आ रहा होएगा, सैशन तो थोड़ा बहुत कुछ सीखने भी है डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि असं पूरी कोशिश करा इस। हाँ जी ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर है जी वारिस शाह, वेरी गुड। कुछ बच्चे बुले शाह लिख रहे हैं, मेरी वारिस शाह इस एग्जैक्ट आंसर। इस तो अलावा कुछ होर इंपॉर्टेंट इस नाल जुड़ी दोस्तों जिवें कि जो मिर्जा साहिबा है इसका जो सब तो मशहूर किस्सा है वो पीलू ने लिखा सी, पीलू ने, अते इत्थे मैं नाल नाल ये जरूर दसना चाहांगा कि जो स्टूडेंट्स ने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड तो 10वीं की होवे तो तुसीं तां जरूर 10वीं दे विच दोस्तों सारे जो है काव्य जरूर पढ़े होंगे क्योंकि सानू सिलेबस दे विच आउंदे ने इह ठीक है, चाहे मिर्जा साहिबा की गल होवे या फिर हीर रांझे की गल होवे, तां इन्हां दा जो जिक्र है साडी 10वीं दी किताबां दे विच एटलीस्ट जदों मैं पढ़दा सी उदों तां जरूर आउंदा सी, हुण तां मैनूं पता नहीं, जे किसी ने पढ़िया है तां मैनूं जरूर दसो नाल नाल। हाँ जी ठीक है, फिर हीर रांझा, वारिस शाह, सस्सी पुन्नू, हाशम शाह, पूरण भगत, कादिर यार, सोहनी महावाल है, ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸੈਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਔਥਰਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਦੋਸਤੋ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ
सुखमणी साहब की जो रचना है किसने की, या फिर असी वेख लैने कि दसम ग्रंथ की रचना किसने की, बड़े सारे वह ने, ठीक है। लेकिन इस तो अलावा जो बहुत सारिया ऑटोबायोग्राफीज ने, वह भी सानू एग्जाम्स दे विच बहुत बार आईया हुई ने जी, ठीक है। तो उस दे विचों खास करके कुछ ऑटोबायोग्राफीज थोड़े नाल मैं सांझियां कर रहा, जिस दे विच जिवें कि कलाम साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर जी, ठीक है, अडोल्फ हिटलर की जो बायोग्राफ ऑटोबायोग्राफी है मेन काम्फ, फिर उस तो बाद जो मैं जिक्र करांगा एल्बर्ट आइंस्टीन की जो ऑटोबायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स, फिर उस तो बाद दोस्तों एंद्रे अगासी बहुत ही मशहूर टेनिस का प्लेयर सी, ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी, फिर उस तो बाद एनी बसंत एंड ऑटोबायोग्राफी, अपने नाम नाल ही ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी सी। इतने याद रखना एनी बसंत है वही एनी बसंत है जिसने इंडिया के आजादी के लिए 1916 होम रूल मूवमेंट शुरू की थी, 1917 कांग्रेस पार्टी की प्रेजिडेंट भी बनी सी, पहली बार से कि कोई महिला है प्रेजिडेंट बनी सी। इतने मैनू स्टूडेंट्स का यह भी लग रहा है कि जो है कुछ वध रहे ने कुछ घट रहे हैं, हाँ जी। फिर अगे वधन तो पहला, अगे समझाने तो पहला सैशन किस तरह का लग रहा है वह भी मैं जरूर दसो, सैशन शेयर भी जरूर करो जी, ताकि साडा जो मोटिवेशन है साडी टीम दा वो भी नाल नाल है बनया रहे। हाँ जी, मैं पढ़ भी लवां कुछ नाल नाल कुछ थोड़े कमेंट्स। नवदीप लिख रहे ने कि सर देन स्टॉप विनिंग अननेसेसरी, आई वाज फोकसिंग ऑन एमसीक्यूज ओनली एंड आई फेल्ट द अर्ग टू क्वेश्चन यू व्हाट इज रॉन्ग विद हिज स्पीड। हाँ जी, हाँ जी, गीत गिरधार जी नाल कुछ मैसेज कर रहे ने, ते सर मेनी आर सेइंग एट द रेट नवदीप सिंह ड्रीम्स ऑफ माई फादर ओबामा, हाँ जी वेरी गुड ड्रीम गर्ल, ओदी भी गल करांगे, बहुत नाइस है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, एंड जस्ट रिक्वेस्टिंग एंड अर्गुइंग, हाँ जी, इतने मैं गीत गिरधार अते नी रवदीप सिंह नूं कहांगा कि दोस्तों जो है कहा जाता है कि जिंदगी दे विच सानू फालतू दीयां लड़ाइयां नहीं लड़नियां चाहीदियां, ठीक है। तो जो है जंग लड़नी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहड़ी जंग लड़नी है वो उस तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो है इन जंगां दे विच कुछ नहीं पिया, ठीक है, तो तुसीं कम ऑन द फोकस क्लास दे विच आओ, हाँ जी, ठीक है। तो वेरी गुड ड्रीम गर्ल, असीं चलते हाँ जी। तो दोस्तों जो है उस तो अलावा जे असीं गल करिए आर्नोल्ड टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबल ट्रू स्टोरी लाइफ, फिर उस तो बाद जे मैं गल करा चार्ली चैपलिन माय ऑटोग्राफी ही नाम सी, दलाई लामा फ्रीडम इन एग्जाइल, फिर जवाहरलाल नेहरू ऑन ऑटोबायोग्राफी, इतने लियो टॉल्स्टॉय माय कन्फेशन। ये दोस्तों खास करके मैं लियो टॉल्स्टॉय का ऑटोबायोग्राफी इस करके लिखा है, सानू बहुत बार जो है क्वेश्चन आता है पंजाब दे विच, पंजाब दे एग्जाम दे विच कि जी गांधी जी दे तुसीं पोलिटिकल गुरु का नाम दसो, अते बड़े सारे जो स्टूडेंट्स इसका उत्तर मैंने लगता दे भी देंगे, ठीक है। मेरा यह पूरी लाइन होने तो पहला ही उत्तर आने शुरू ही हो जाएंगे कि सर गांधी जी दे यह पोलिटिकल गुरु उन्होंने वो अपना मनिया करते, उन्होंने जो अपनी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी सी माई एक्सपैरीमेंट विद ट्रुथ के दसिया भी सी, लेकिन उसके नाल ही नाल है कई बार प्रश्न थोड़ा यह भी आ सकता है कि गांधी जी अपना जो स्पिरिचुअल गुरु किसू मानते, तो याद रखना जो लियो टॉल्स्टॉय है उसू वो अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते सी, पोलिटिकल गुरु तो स्टूडेंट्स ने जिमें कि उम्मीद से दस ही दिता, दैट वॉज द गोपाल कृष्ण गोखले सी, जिन्हों के बहुत सारे चिट्ठी पत्र तो बाद ही 1915 के गांधी जी साउथ अफ्रीका तो हिंदुस्तान वापस आ सके। तो असं जो गल कर रहे ऑटोबायोग्राफीज की गल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये जो है मैंने लगता अलग तो आ गया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हां विचों किस मूवमेंट नूं है नामधारी मिशन कहा जाता है या नामधारी मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो सतवंदी नूं, संथाल नूं, कुका नूं या सन्यासी नूं, हाँ जी, नामधारी जो मिशन है किस नूं कहा जाता है। मैं जदों भी नामधारी मूवमेंट बारे पढ़ना तो बड़ा इंट्रस्ट जागता है, बड़ी हैरानी भी होंदी है कि जो असी साड़ी नैशनल फ्रीडम मूवमेंट दे विच दोस्तों 20th सेंचुरी दे विच देखते हाँ जो एक्शन होंगे ने अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो इन्होंने लगभग 30-40 साल पहला ही है पंजाब दे विच कर दिते सी। तो किहड़े किहड़े एक्शन सी जिवें कि असी गल करांगे, ठीक है, लेकिन उस तो पहला मैं उत्तर देख लवां, लगभग सारे बच्चों ने सही उत्तर दे ही दिता है, दैट इज़ द सी इज़ द करैक्ट आंसर। इत्थे हाँ जी, इतने एक एक सेकंड का समा चाहांगा स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम करके। शिष्पा जी, शिष्पा, हाँ यार ये क्यों नहीं आता, फिर आ जाता है। हाँ जी, साढ़े जो है टेक्निकल एक्सपर्ट प्रॉब्लम नु खत्म करने की कर रहे हैं जी कोशिश, तो मैं
एक हाँ जी हो गया जी प्रॉब्लम सॉल्व ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी जो गल कर रहे थे नामधारी मिशन ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੁੱਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ 1920, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ 1905 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡਲੂਮ ਡੇ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੇ ਲਗਭਗ 1860-1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਮੀਟ ਜਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ 1860-70 ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੈਕਟ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੈਕਟਸ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਯਾਨਿਆ ਹੈ ਹਿਨਾਯਾਨਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮਧਾਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੈਣੀ ਹੁਣ ਪੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਹੈ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੁੱਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੈ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਹਿਲਸ, ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਪੀਕ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪੀਲਸ, ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੀਅਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਟਾਨੀ ਕਲਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਲੀਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਲਗਭਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜੋ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਠਾਨਕੋਟ
बोर्ड की गल करा उन्होंने जो बाउंड्रीज ने जम्मू के नाल भी टच कर दिया ने। हाँ जी नाल वेरी गुड भगवंत मान अमित शाह ने कहा कि ओदी सरिया पावर सेंटर को। हाँ जी ठीक है ऑलवेज रन बाय एल जी। हाँ जी ठीक है चलो नाल है थोड़े भी विचार है सुनते आ रहे हैं ठीक है। तो दोस्तों इस दे नाल ही नाल है इस नूं फिर तुसीं जे एक तरीके नाल देखो हिली एरियाज है फिर असीं जे कहीए कि पंजाब दा जो रेगिस्तान वाला इलाका है मारूस्थल वाला जो इलाका है ओबवियसली गल है जे मैप ध्यान दे विच होएगा जे तुहानूं याद होएगा कि राजस्थान नाल किहड़े किहड़े इलाके साडे टच हुंदे ने। तां दोस्तों ये जो साउथ दा इलाका है साउथ वेस्ट दा इलाका है जिहदे विच तुसीं कह सकदे हो फाजिलका है पंजाब बठिंडा है ठीक है मानसा ये सारे दे सारे जो इलाके ने इत्थे तुसीं देखदे हो ज़्यादातर ब्लैक सोइल होण इसे करके इत्थे ब्लैक सोइल है कॉटन कपाह की जो जो खेती है इसे करके इतने ज़्यादा बैटर भी होंगे थोड़ा पता होएगा इसे करके जो कॉटन बैल्ट है या फिर जो वाइट सिटी है वाइट सिटी असं मानसा कह देने कॉटन बैल्ट इस करके मानसा कह देने तो इतने पता लगता है कि बड़िया सारे जो क्वेश्चन ने वो जो जोग्राफी दे या फिर दोस्तों जो है साढ़े जो 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 फिजिकल जोग्राफिकल जो मैप सू अंडरसटैंड ने तो दो तीन क्वेश्चन साढ़े ईजली वैसे ही हो जाते हैं जी। फिर साड़ा नैक्सट क्वेश्चन है कि इन्हां विचों किहड़ा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों ओह भाई मरदाना जी जो कि गुरु नानक देव जी दे नाल है बहुत सारिया उदासियां दे विच रहे भाई बाला जी भाई मरदाना जी तो भाई मरदाना जी इन्हां विचों किहड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वजाया करदे सी रबाब सितार वीणा या तानपुरा। हाँ जी इसका सही उत्तर दवो ठीक है नाल ही नाल है तुसी दोस्तों जो है ये भी दसो कि भाई जो जो गुरु नानक देव जी से इन्होंने किन्नियां उदासियां कीतियां सन टोटल। हाँ जी किन्नियां उदासियां है इन्होंने अपनी लाइफ टाइम दे विच कीतियां सी अते एग्जैक्ट आंसर इज रबाब ठीक है अते ए इसकी तस्वीर है जी तुसी देखते हो बड़े सारे हुण जो गुरद्वारा साहब जो हिस्टोरीकल गुरद्वारा साहब ने अजकल इस दे नाल भी है जो जो कीर्तन है कराया जाता है अते जो एंशंट जिन्हें भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने दोबारा तो इन्हों रिवाइव करने की कोशिश भी एस जी पी सी कर रही है जी ठीक है। तो टोटल चार उदासियां जो है कितिया ने किताबों के यही दर्ज है और साड़ा उत्तर भी यही रहेगा जी। फिर साड़ा नैक्सट क्वेश्चन है कि पंजाबी मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर के जो फादर है वह इन्हों विचों किसनों कहा जाता है तो मुंशी प्रेमचंद नानक सिंह भाई वीर सिंह या अमृता प्रीतम तो इन्हों विचों किसनों जो है मैं इतने मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर की गल कर रहा हाँ दोस्तों पिछले जो 100-200 साल के जो है लिटरेचर आया है तो मुंशी प्रेमचंद तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि यह हिंदी के बहुत बड़े का जो है कवि रहे हैं नानक सिंह भाई वीर सिंह अते अमृता प्रीतम अते इसका एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द सी भाई वीर सिंह है दोस्तों इन्हों फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर है पंजाबी लिटरेचर कहा जाता है। इस दे नाल ही नाल एक क्वेश्चन होर बड़ा इंपोर्टेंट तुहानूं दसना चाहांगा दोस्तों पंजाब दे जो लिटरेचर दी जो साइंटिफिक हिस्ट्री है कि किस किस तरीके नाल इस दी है रिवाइवल होया अगे वध्या इस दे उपर जो किताब है सब तो पहले है वह किसने लिखी सी दैट वॉज द फरीदुन गंज शकर। हाँ जी ठीक है इन्हों का नाम याद रखना दैट इज द फरीदुद्दीन गंज शक्कर जी ने जो है साइंटिफिक जो जो हिस्ट्री है वह लिखी सी पंजाबी लिटरेचर की। यह जो क्वेश्चन है जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा है तो अज तो 6-7 साल पहले 2013-14 के कोई पेपर होया सी उस दे विचों यह क्वेश्चन आया हुआ से इस करके नाल थोनू मैं ये भी जरूर दस दिता जी ठीक है। तो दोस्तों वेरी गुड हाँ जी ठीक है तो वीर सिंह बुक मेरे साई जीओ वेरी गुड गुरी कत्याल बर्थ ऑफ बाबा फरीद 12वीं शताब्दी के होया सी अते ओह उन्हां दे नाम ते ही जो जो है दोस्तों फरीदकोट जो शहर है वह पिया हुआ है। फिर नैक्सट क्वेश्चन है कि इन्हां विचों केड़ी वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है जो कि सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज रिवर दोस्तों जो ब्यास और सतलुज रिवर के कॉन्फ्लुएंस के उपर सिचुएटेड है जिसनों तरन तारण कपूरथला और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट भी बॉर्डर करते हैं उसके आसे पासे ही तीन डिस्ट्रिक्ट ने। तो जो असं तरन तारण कपूरथला और फिरोजपुर की गल कर रहे हैं तो थोड़े माइंड के जो इलाका जो थोड़ा मैप करैक्ट है तो थोड़ा मालवा जो दोस्तों माझा जो है उसका जो एक सेंटर पॉइंट है कितना कितने माइंड के आ रहा होएगा अते इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द बी जो दोस्तों दैट वाज द सी हरी के पतन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इसका एग्जैक्ट आंसर सी है तो इतने गलती ना है ए बी लिखा हुआ है। तो हरी के पतन बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अते ए दोस्तों जो है कितने सिचुएटेड है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज अते जे मैं पुराने मैप की तरफ चला जावां जिथे मैप सिचुएटेड सी ठीक है उत्थे जे इस नूं दिखाउण दी कोशिश करां क्योंकि इस दे नाल है शायद मैप नहीं लग्या होया तो तुसीं देखोगे जो है दोस्तों लगभग हाँ जी तरन तारण तो इतने ये सिचुएटेड है लगभग हरी के पतन इतने मैंशन भी है जिथे असं देखते हैं कि जो दोनों रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है अते ये जो तीनों जो डिस्ट्रिक्स ने जिदे विच फिरोजपुर है जिदे विच तरन तारण है अते जो तीजा जो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी असं गल कर रहे हैं वह इस दे विच सिचुएटेड है जी दैट इज
दैट इज कपूरथला जी। ठीक है, तो मैप तो है तीजा प्रश्न आ गया है जिसनों तुसी मैप की सहायता नाल ईजली कर भी सकते हो। फिर नैक्सट क्वेश्चन है, जफरनामा वॉज ए लैटर रिटन टू मुगल एम्परर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु। तो जो जफरनामा है इन्होंने किस गुरु साहब ने जो है लिखा सी। हुण इत्थे जो तुसी मैनू कई सारे होर भी उत्तर दे दो नाल नाल, जिवें कि जो जफरनामा है, जो जफरनामा है दोस्तों ये है की सी, किस तरह का खत सी, मतलब इसका आइडिया की सी इस खत का। ठीक है, दूसरा जो है किस भाषा के लिखा हुआ सी। ठीक है, ते नाल नाल ए जिन्ने भी थोनू इस नाल पैरेलल जो क्वेश्चन ने या फिर दसवें गुरु साहब का आंसर तुसी दे दिता, तो दसवें गुरु साहब दी होर जो लिटरेचर सी वह भी नाल नाल जे तुसी दस दोवोंगे तो बड़े सारे क्वेश्चन के आंसर सानू मिल जाणगे। जिवें कि असी गल करदे हाँ चंडी दी वार, दोस्तों असी जो गल करदे हाँ दसम ग्रंथ, अते इत्थे हमेशा याद रखना जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी है उहदे विच जो है जो दसवें गुरु की अपनिया जो लिटरेचर अपनी जो रचनावां ने अपनी जो उन्हां दी बाणी है वह दर्ज नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच असीं देखते हाँ पहले पंज गुरु साहब, फिर उस तो बाद नौवें गुरु तेग बहादुर जी की बाणी दर्ज है। इस तो अलावा बहुत सारे होर जो है सूफिया की बहुत सारे संतों की बाणी दर्ज है, लेकिन अपनिया जो रचनावां उन्होंने अलग तो दसम ग्रंथ के दर्ज कीतियां सी। तां फिर उस तो बाद जो है पहले जो पंज गुरु साहब जी का जो लिटरेचर से देखिए उन्होंने रचनावां देखिए उन्होंने जो है अलग तो जो है जो एक आदि ग्रंथ की रचना की थी पंजवें गुरु साहब गुरु अर्जन देव जी ने। फिर उस तो बाद जे असी देखिए जफरनामा है यह औरंगजेब नू लिखा गया एक खत सी। दोस्तों ये एक स्पिरिचुअल विक्टरी नू है डेडिकेटेड सी कि धार्मिक तौर पर चाहे तू मैनू जित लिया है, चाहे जितने का मतलब है कि मेरा जो परिवार है ठीक है उसनों तुसी कतकतल करवा दिता है, सजावं दे दित्तियां ने, लेकिन फिर भी जो स्पिरिचुअल तौर पर है जो विक्टरी है वह सिखां दी अते मेरे परिवार की या फिर दोस्तों मेरी कौम की हो चुकी है। तो इस वो डेडिकेटेड सी जफरनामा, अते जो जफरनामा है असी देखते हाँ परशियन फारसी भाषा के लिखा होया सी। अते इस दे विच टोटल दोस्तों जो 111 वर्सेस दे विच है पैरें दे विच इसनों लिखा गया सी। इसनों गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट दे विच दिना नाम का एक छोटा जा पिंड है दिने पिंड दे विच है 1706 दे विच लिखा सी। तो तुसी आइडिया लगा सकते हो कि दखण दे विच जाण तो पहला ही या जो है तुसी कह सकते हो कि दमदमा साहब आने तो पहला जिथे जाके उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना की उस तो पहला ही यह जफरनामा लिख दिता सी। जो जफरनामा है औरंगजेब नू दोस्तों भाई दया सिंह अते भाई धर्म सिंह दे 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 थ्रू है दोस्तों पहुँचाया गया सी दिल्ली दे विच। अते कहा जांदा है कि इस नू पढ़न तो बाद कुछ ही महीनों तो बाद है वह औरंगजेब की डैथ हो जाती है 1707 दे विच। अते इवन डैथ ही नहीं हुंदी, उस तो बाद मुगल एम्परर है अपनियां उन्नियां शिखरां नू नहीं पहुँच सकया जिन्ना जो औरंगजेब के टाइम पीरियड से हो किसे टाइम होया करदा सी। 1707 तो लैके अते फिर उस तो अगले 150 साल बाद है मुगल एम्परर पूरी तरह 1857 दे विच 58 दे विच डिकलाइन हो जांदा है। तां इह कुछ इंपोर्टेंट तुकां ने ठीक है जो है मैं पीपीएससी के एग्जाम्स देखिया ने थोड़ा ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो तुक जो है कितों लिया गई ने जिमें कि ये दो इंपॉर्टेंट तुक ने चू कर अज हम हिलते दर गुजशत हलाल अस्त बुरदन बया शमशीर दस्त। दोस्तों का पूरा मतलब भी लिखा हुआ है ठीक है, मतलब जो है मीनिंग तुम पढ़ सकते हो। फिर दूसरी एक होर इंपॉर्टेंट जो है जो कुछ लाइना से वह भी मैं चलो ये एड ऑन कर दाँगा, फिलहाल वो इस नहीं ने। तो यह दो जो तुकों ने दो जो ये लाइना ने जो जफरनामे के पेपर के भी कई बार आया हुआ है कि ये जो तुकों ने ये गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की किस रचना के लाई गई ने। नाल ही नाल कई सारे स्टूडेंट्स ने पैरल जो रचनावां ने वह भी दसिया ने, लव घूमन इज़ वन ऑफ दैम, जप साहब, अकाल उस्तत जो है श्री भगौती साहब, वचित्र नाटक, 24 अवतार, चंडी दी वार, वेरी गुड ठीक है। अते रुबलदीप कह रहे हैं कि सारे नैब तहसीलदार दे लैवल दे क्वेश्चन ने ठीक है, अते इसका क्वेश्चन भी मैं थोड़ा आंसर दे रहा जी ठहरो ठीक है। अते खिदराणी दी ढाब, हाँ जी बिल्कुल ड्रीम गर्ल वो अलग है जी ठीक है स्टोरी नैब तहसीलदार दी, हाँ जी ठीक है। इतने स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन दे वधन तो पहला ठीक है कई स्टूडेंट्स है उन्होंने शुरुआत दे विचों नहीं जुड़े सी, मैं थोड़ा पहले ही दस्या सी कि जो असी पंजाब दे पीपीएससी की गल करते हैं नैब तहसीलदार की गल करते हाँ पंजाब दे विच आम लोगों लिए नैब तहसीलदार का एग्जाम पहली बार हो रहा है। इस तो पहला कदे एग्जाम ही नहीं होया, इस तो पहला इंटरनल एग्जाम होया करते सी नैब तहसीलदार दे, लेकिन पीपीएससी लै रहा है तो असी मान के चलते हाँ कि पीसीएस दे लैवल या उस तो थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है, लेकिन दोस्तों लैवल हुंदा की है उसका कोई भी डिफाइन असी उसनों डिफाइन नहीं कर सकते। इस करके मेरी कोशिश है क्योंकि पंजाब जी के जो पेपर ऑलरेडी 16 महीने पहला आ चुका है और हुण तुसी काफ़ी कुछ पढ़िया होया है ठीक है, जे तुसी चंगी तरीके नाल तैयारी की हुई है तो मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न शायद थोड़ा सौखे भी लग रहे हो क्योंकि जीके दे विच हमेशा कदे कुछ सौखा या औखा नहीं हुंदा। जीके दे विच जो चीज़ थोनू आउंदी है वह थोनू सौखी लगेगी, जो चीज़ नहीं आउंदी वह थोनू औखी लगेगी। हो सकता है कि जो थोनू बहुत औखी लग रही होवे
ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ ਈਜ਼ਲੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਰਲੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਗਨ, ਸਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਟਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ 78 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਸਸ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਹ ਨਿਕਾਲੂ ਪੇਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਢਣ ਪੇਪਰ, ਅਸਥਾਈ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਦਕੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਰਾਗੜੀ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਬਰਾਓ? ਐਗਜੈਕਟ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਹੈ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜੇ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੀ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਈਜ਼ਲੀ ਆਂਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਸ ਦੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਬਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਂਸਰ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਬਰਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜ ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਹੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਬਦੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੀ ਅਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, MFBAS। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MFBAS ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਰਕੀ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਸਬਰਾਓ ਜੋ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਟ ਬਰੇਵਲੀ ਐਂਡ ਮੇਡ ਹੈਵੀ ਲੋਸਿਸ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਬਟ ਲੋਸ ਦਾ ਬੈਟਲ ਡਿਊ ਟੂ ਟ੍ਰੈਚਰੀ ਆਫ ਦੇ ਲੇਡ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਬੈਟਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ 16, 18, 20 ਜਾਂ 22? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਰਲੀ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੋਸਤੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਲੋਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੋਟਲ 15% ਲੋਕ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, 15%। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਨੇ 543 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜੀ ਇਲੈਕਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਇਸ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 543 'ਤੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 543। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ 233, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਸਮ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 776। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 776 ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ 776 ਦਾ ਜੋ ਵੀ 15% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੈਥ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਾਨਿਆ ਗੋਇਲ, ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਮੈਂਬਰਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਏ ਦਾ 104th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਟੋਟਲ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜੇ 117 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 15% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 18 ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ 552 ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ 552 ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਿ ਸਰ 134 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਵੇਕੈਂਟ ਨੇ POK ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਨੀਤਾ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਔਖੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਨੀਤਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਔਖੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਮੈਂਬਰ 1/3 ਆਫ ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਰਟੀਕਲ 171, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲੜਕੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੁਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੀ ਥੇਰ ਫੇਮਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ 5-6 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਹੈ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਿਵਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੋਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਮਾਨਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਮਰਪਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਫੀ ਚੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈ, 4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਅੱਜ ਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਟੋਟਲ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੋਲੀਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਜੋਗ੍ਰਫੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਇੰਸ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਦੁਬੇ ਸਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕ੍ਰਿਤੀ ਮੈਮ ਨੇ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੋ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿਦ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਕੇ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਥੰਬਨੇਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਦਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ GK ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀ ਹੈ, ਜੋਗ੍ਰਫੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 16 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ
हाँ जी इतने नाल नाल हाँ जी ड्रीम गर्ल हाँ जी बड़े सारे हो ने ठीक है तो चलो ता, ए, ता, दोस्तों मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि नाल नाल जो तुसी ये भी लेने हो तो जे थोनू जरूरत है तो थोड़ी जो होर ज्यादा प्रैक्टिस हो क्योंकि थोनू जरूरत है सर प्रैक्टिस दी तुसी सब कुछ कर चुके हो ठीक है हुण इत्थे किन्ना मर्जी औखे क्वेश्चन थोड़े लिए लैके आ जाइए ठीक है हुण जिवें जबरदस्ती ज्यादा ही औखे लैके आवांगा क्योंकि दोस्तों जिस तरह का पेपर आना है उस तरह के क्वेश्चन ने ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट दिन ना 50 दिन रिविजन कर गया ते उही जो है 78 जो सिलेक्टेड जो साड़ियां जो जॉब्स ने उन्हां दे विच्चों एक कोर्स नू प्राप्त कर सकेगा तां हुण अगले कुछ जो दिन है तुसी लगातार जुड़े रहना अते खास करके लास्ट दे विच मैं यही कहना चाहांगा कि तुसी जे होर कोई भी सजेशन देना चाहुंदे हो इस सेशन बारे कोई बदलाव करना चाहुंदे हो या तुहानूं लगदा है कि जे सर इस तरीके नाल करा दें तां होर ज्यादा बैटर हो सकदा है तां तुसी मैनूं जरूर है कमेंट बॉक्स दे विच लिखो बाकी एक मिनट मैं तुहानूं दे देना जी एक मिनट लास्ट दे विच तुहाडे मैसेज पढ़ लैंदे आ की तुसी लिखदे हो ठीक है तुसी हाँ जी बिल्कुल ठीक है अते करंट दी क्लास करो हाँ जी इत्थे सुनीता रो करंट दी क्लासां लग ही रहियां ने ठीक है तां ओ मैं तुहानू अज जो है 2-3 बजे तक दसदा कि करंट अफेयर दी क्लास है लाइव होया करेगी अते कदों होया करेगी ओ मैं तुहानू जरूर दसांगा 2-3 बजे तक हाँ जी ठीक है अते स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा कंसीडर करो ओके सोनाली भंडारी ठीक है स्टेटमेंट बेस्ड है उन्हूं कंसीडर कर लांगे ठीक है हाँ जी तां इत्थे मैं करंट अफेयर दी गल कर चुके हां अते रजिंदर लव यू टू हाँ जी अते इत्थे पढ़ाया नहीं दिमाग च कोट के भी पाया जाता है चलो सर प्लीज लाट ओके अलीसा यह भी देख लवेंगे नाल ही नाल नहीं फिल किया ओके चलो ठीक है जी ठीक है मैं लगता है कि चलो सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे ही दिता सैशन हम शेयर लाइक है तो जरूर कर देना बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच।